हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने टॉर्च बल्ब का डायग्राम बताया था, उसका डिस्क्रिप्शन भी आप लोगों को सिखाया था, ठीक है। और आई होप टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, आप सभी बच्चों ने टॉर्च बल्ब का डायग्राम कई बार बनाया होगा, उसकी प्रैक्टिस की होगी। और आगे के इस आज की इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, उसका डायग्राम भी आप लोगों को बताऊंगा, किस यूज में आता है, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है। ये जो वीडियो है आज का वो क्लास 6 के लिए है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, ठीक है। साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, डे टू डे लर्न करते रहें, नीट एंड क्लीन होमवर्क करते रहें। If you have any doubt, any query, any question, so you can easily discuss me at any time through WhatsApp, through WeChat, through Telegram, through SMS, through calling, ठीक है। कोई भी डाउट हो, करंट के वीडियो में है, लास्ट के वीडियो में है, दो दिन पहले के वीडियो में है, तीन दिन पहले के वीडियो में है, एक महीने पहले के वीडियो में है, दो महीने पहले के वीडियो में है, सो आप मेरे से किसी वक्त किसी भी जरिए से कॉलिंग कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। लेट्स कम ऑन द टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक सर्किट है और ये वीडियो क्लास 6 के लिए है। ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोज स्टूडेंट आर नॉट सब्सक्राइब राहुल सर यूट्यूब चैनल, सो आई रिक्वेस्ट यू टू दोज स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। और कमेंट बनता है तो कमेंट जरूर करें। लेट्स कम ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं, टॉर्च बल्ब की बात हो चुकी थी, इलेक्ट्रिक सर्किट की तरफ अगर फोकस करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट सुन लीजिएगा होता क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ, एक पाथ होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक पाथ होता है जो कि किस यूज में आता है। इलेक्ट्रिक सर्किट जो पाथ होता है, एक रास्ता होता है जिसमें विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है। यानी कि वी कैन से एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ, ठीक है, अलोंग विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो प्रोवाइड करवाता है कंप्लीट पाथ, ठीक है, कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करवाता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी के लिए टू पास द करंट, ठीक है, बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में बता दिया था कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होती है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही फ्लो होती है, यानी कि फिक्स है, करंट का फ्लो होना बिल्कुल फिक्स होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू द नेगेटिव टर्मिनल, टू द नेगेटिव टर्मिनल फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर करंट की दिशा देखें, डायरेक्शन देखें, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचती है, ठीक है। करंट के बारे में आप लोगों को बता दिया था, डायग्राम के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज दे दी थी। आज के इस वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं। लिखिएगा, ब्लैक पेन से हेडिंग डाली थी इलेक्ट्रिक सर्किट, ब्लू पेन से लिखिएगा एन, ठीक है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एन इलेक्ट्रिक, ठीक है, सर्किट, एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। एच ए आगे लिखिएगा, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ, ठीक है, एक रास्ता होता है, इज अ पाथ, ठीक है, अलोंग एलओएनजी, अलोंग विच, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कैन फ्लो, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रिसिटी, मेरे को व्हाट्सएप पे भी अच्छे रिप्लाई मिल रहे हैं क्लास 6 के। और एक बात और आपको याद दिलवा दूं, आप क्लास 5th से आए हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करें आप। इलेक्ट्रिक सर्किट इसमें लिखिएगा, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, ठीक है। और आगे देखिएगा, आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी देंगे राहुल सर, ठीक है। वी कैन मेक, आगे लिखिएगा, हम बना सकते हैं, देखो इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं किसके थ्रू, सेल का यूज करके, टॉर्च बल्ब का यूज करके, ठीक है, वायर का यूज करके। तो क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में, लिखिएगा वी कैन, ठीक है, मेक, वी कैन मेक, ठीक है, वी कैन मेक ए सिंपल, वी कैन मेक अ सिंपल इलेक्ट्रिक, ठीक है, सर्किट, वी कैन मेक एन, वी कैन मेक अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, वी कैन मेक अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। आगे लिखिएगा, बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग ए सेल, ठीक है, कॉमा ए टॉर्च बल्ब, ठीक है, ए टॉर्च बल्ब, ठीक है, और किसका यूज करके, एंड आगे लिखिएगा टू, टी डब्ल्यू ओ, टू पीसेज, पी आई ई सी ए, टू पीसेज ऑफ
वायर्स, ठीक है, वायर के दोनों पीसेस का यूज करके, ठीक है। वायर को क्या बोला जाएगा, यहां पर ब्रैकेट में लिखिए कॉल्ड कनेक्टिंग वायर, कॉल्ड कनेक्टिंग वायर, ठीक है, कॉल्ड कनेक्टिंग वायर, ठीक है, वायर्स का यूज करके बनाई सकते हैं हम, ठीक है। यहां तक मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। क्या करेंगे आगे देखिएगा, जो टॉर्च बल्ब होता है उसे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, सेल का जो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल है उसे कनेक्ट कर देंगे। आगे लिखिएगा कनेक्ट, CONNECT। मैं हिंदी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर रहा हूं, आप लोगों को ये अपनी नोटबुक में करना है। कनेक्ट द टॉर्च बल्ब, TORCH, टॉर्च बल्ब, कनेक्ट द टॉर्च बल्ब टू, ठीक है, द पॉजिटिव, लिखिएगा द पॉजिटिव, मैं बोल रहा हूं आप कंटिन्यू कीजिएगा। आगे लिखिएगा क्या लिखवाया राहुल सर ने, कनेक्ट द टॉर्च बल्ब, देखिए टू द, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स, पॉजिटिव, ठीक है, लिखिएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, NEGATIV, नेगेटिव टर्मिनल्स, TERMINALS, नेगेटिव टर्मिनल्स, ठीक है, किसके, ऑफ ए सेल, ठीक है, बाय बी बाय बाय यूजिंग टू, TWO, बाय यूजिंग टू पीसेज ऑफ वायर, टू PIECE, पीसेज ऑफ वायर, टू पीसेज ऑफ वायर्स, ठीक है, टू पीसेज ऑफ वायर्स, क्लियर है ये, ठीक है। अब सुनिएगा, जो वायर का एक सिरा होता है, ठीक है, वो कनेक्ट होता है पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि मेटल कैप से, जो कि सेल का होता है, और दूसरा टर्मिनल वायर का कनेक्ट होता है मेटल टिप यानी कि बेस से, टॉर्च बल्ब के बेस से, ठीक है। आगे लिखिएगा वन एंड, VONE, वन एंड, ENDE, ठीक है, वन एंड ऑफ अ वायर, वन एंड ऑफ अ वायर, ठीक है। एच आगे लिखेगा, एच के बाद लिखेगा कनेक्टेड टू द, ठीक है, जो मैं हिंदी में है ना उसी को ही इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूं, कनेक्टेड टू द, ठीक है। आगे लिखेगा पॉजिटिव, कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेगा मेटल कैप, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेगा मेटल कैप, CAP, मेटल कैप, ठीक है, ऑफ द सेल, ठीक है, ऑफ द सेल, CELL, एंड, ठीक है, द अदर, OTHER, द अदर, ठीक है, एंड, ENDE, एंड ऑफ, ठीक है, वायर, द अदर एंड ऑफ वायर, एच, ठीक है, कनेक्टेड, CONNECTED, इज कनेक्टेड, ठीक है, टू द, इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप, ठीक है ना, मेटल टिप से होता है, मेटल टिप, ठीक है, TIP, मेटल टिप, जो कि कहां होती है, टॉर्च बल्ब के नीचे होती है यानी कि बेस में, ठीक है, टॉर्च बल्ब के बेस में, एट द बेस, BASE, एट द बेस, ठीक है, ऑफ टॉर्च बल्ब, एट द बेस ऑफ टॉर्च बल्ब, ठीक है, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। अब क्या होगा कि वन एंड जो होता है एक सिरा जो वायर का, सेकेंड वायर का, अब दूसरा वायर लेंगे तो दूसरे वायर का जो पहला सिरा है यानी कि वन एंड ऑफ सेकेंड वायर इज, ठीक है, कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। आगे लिखिएगा सिमिलरली, गैप लगा करके लिखिएगा, पैराग्राफ छोड़ करके, सिमिलरली, ये तो रहा आपको क्या लेना है, मैंने यहां पर देखिए क्लियर दिख रखा है टू पीसेज ऑफ वायर, वायर कितने लिए, दो, कितने लिए, दो लिए, तो एक पहला वाला वायर का क्या किया, पहले बार वायर के दो सिरे हैं, एक सिरा तो वायर का कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से जो कि सेल का है, और उसी वायर का दूसरा सिरा कनेक्ट कर दिया मेटल टिप से जो कि टॉर्च बल्ब के बेस में है। इसी तरीके से अब दूसरे वायर की बात करें तो सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली वन एंड, ONE, वन एंड, ENDE, वन एंड ऑफ द सेकेंड वायर, वन एंड ऑफ द सेकेंड वायर, ठीक है, वन एंड ऑफ द सेकेंड वायर, ठीक है। आगे लिखिएगा एज, ठीक है, एज क्या करेंगे आगे, कनेक्टेड, CONNECTED, इज कनेक्टेड, ठीक है, टू द नेगेटिव, टू द नेगेटिव, NEGATIV, टू द नेगेटिव टर्मिनल, टू द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब इसका नाम है मेटल डिस्क, METALDISC, मेटल डिस्क, ठीक है, ऑफ द सेल, ऑफ द सेल, एंड आगे लिखिएगा द अदर एंड, एंड द अदर, ठीक है, ENDE, एंड लिख दिया, इसके बाद लिखिएगा
द अदर एंड ई एंड यानी कि सिरा या छोर बोल सकते हैं। देख लीजिएगा हिंदी में क्या कहते हैं, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है ठीक है। ऑफ दिस वायर, इसी वायर की बात कर रहे हैं जो सेकंड वाला है, ऑफ दिस वायर ठीक है, इज कनेक्टेड ठीक है, देखिएगा इज कनेक्टेड ठीक है टू द मेटल केस ऑफ द टॉर्च बल्ब, टू द मेटल केस ऑफ द टॉर्च बल्ब क्लियर है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा ठीक है। जब टॉर्च बल्ब को कनेक्ट किया जाता है बिटवीन ठीक है, जब टॉर्च बल्ब को कनेक्ट किया जाता है किसके बीच में, बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ सेल, जो बल्ब क्या होता है ग्लो करने लग जाता है, तो आगे लिखिएगा ऑन कनेक्टिंग CONNECTING ऑन कनेक्टिंग ठीक है, ऑन कनेक्टिंग आगे लिखिएगा द टॉर्च बल्ब बिटवीन ऑन कनेक्टिंग द टॉर्च बल्ब बिटवीन ऑन कनेक्टिंग ठीक है द टॉर्च बल्ब बिटवीन ठीक है किसके बीच में, बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ सेल ठीक है, द टू टू टर्मिनल्स ऑफ सेल ठीक है, क्या होगा इससे द बल्ब जो होगा वो ग्लो करना स्टार्ट करेगा, द बल्ब BULB द बल्ब ठीक है लाइट्स अप LIGHT लाइट्स अप ठीक है और ग्लोज GLOWS ग्लोज ग्लो करना स्टार्ट करेगा ठीक है। वो क्यों ग्लो करना स्टार्ट करता है, क्योंकि पूरा सर्किट बन जाता है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, तो आगे लिखिएगा द बल्ब ठीक है, लिखिएगा द बल्ब क्या लिखा लाइट LIGHT लाइट्स अप द बल्ब क्या लिखा लाइट्स अप UP यानी कि लाइट्स अप बिकॉज क्यों करने लगता है बिकॉज ठीक है, क्या होगा इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लोस थ्रू इट्स फिलामेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ELECTRICITY इलेक्ट्रिसिटी आगे लिखिएगा बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी ठीक है क्या हो जाएगा फ्लोज FLOWS फ्लोज थ्रू THROUGH थ्रू ठीक है क्या होगा द फिलामेंट FILAMENT थ्रू द फिलामेंट फुल स्टॉप लगा दीजिएगा ठीक है। तो फिलामेंट क्या होगा एक्चुअली क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक एंड से सेल के एक एंड से फ्लो होगी और दूसरे टर्मिनल तक चली जाएगी ठीक है। आगे लिखिएगा आपको लिखवा रहा हूं आगे मैं कंटिन्यू कीजिएगा आप ठीक है एक सेकंड रुक जाइएगा ठीक है मैं आपको बोल रहा हूं आप लिखिएगा कंटिन्यू कीजिएगा आप आगे ठीक है आगे आप कंटिन्यू कीजिएगा ठीक है। बहुत इजी थ्योरी बना करके लिखवाई राहुल सर ने ठीक है। फिलामेंट तक आपने लिख लिया फिर आगे देखिएगा एक्चुअली ACTUALLY एक्चुअली क्या होगा जो इलेक्ट्रिसिटी है एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं और इलेक्ट्रिक करंट ठीक है इलेक्ट्रिसिटी या और इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी फ्रॉम वन एंड ऑफ द सेल ठीक है फ्रॉम वन एंड ऑफ द सेल ऑफ वन एंड ऑफ द सेल ठीक है फ्लोज अलोंग द FLOWS ठीक है फ्लोज अलोंग ALONG अलोंग द फ्लोज ठीक है फ्लो का मतलब बहना हो जाएगा देख लेना आप हिंदी में क्या बोलते हैं फ्लोज ठीक है लिखा है फ्लोज अलोंग द ठीक है आगे देखिए फ्लोज अलोंग के बाद क्या लिखना है आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि सेल की एक एंड से फ्लो होती है और वायर से निकलती है बल्ब तक पहुंचती है तो फ्लोज यहाँ पे लिखा है राहुल सर ने फ्लोज अलोंग द ठीक है वायर थ्रू द बल्ब वायर थ्रू THROUGH थ्रू द बल्ब ठीक है क्लियर है थ्रू द बल्ब लिख दिया आपने बहुत अच्छी बात आपने लिख दिया ठीक है एंड देन बैक आ जाती है ठीक है आगे लिखिएगा एंड बल्ब के बाद लिखिएगा एंड देन THEN ठीक है बैक BAC के एंड देन बैक टू द कहां तक आती है टू द सेल ठीक है सेल तक आती है CELL सेल ठीक है अलोंग द अदर वायर दूसरे वायर के थ्रू अलोंग द अदर OTHER अदर वायर ठीक है अलोंग द अदर वायर ठीक क्लियर है। अब आपको इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है ठीक है
क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है और लिखिएगा आप आगे, कंटिन्यू कीजिएगा आप, ठीक है, कंटिन्यू कीजिएगा आप, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, कंटिन्यू कीजिएगा। इसके बाद में आप लोगों को लिखना है यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करके लिखना है, ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करके लिखिएगा आप, मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, देख लीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बाद लिखिएगा द इलेक्ट्रिक करंट, द इलेक्ट्रिक करंट, द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, क्या लिखवाया है राहुल सर ने, द इलेक्ट्रिक करंट लिखिएगा, प्रोवाइड्स ए कंप्लीट पाथ, पी आर ओ वी वैन वाला डी ई एस, प्रोवाइड्स, ठीक है, आगे लिखिएगा द इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड्स ए कंप्लीट, सी ओ एम पी एल ई टी ई, कंप्लीट पाथ, पी ए टी एच, ए कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करवाता है फॉर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, टू टी ओ पास पी ए डबल एस, ठीक है, टू पास पी ए डबल एस, टू पास ब्रैकेट में लिखे और करंट, सी यू डबल आर ई एन टी, ठीक है, और करंट, ठीक है, टू फ्लो एफ एल ओ डब्लू, ठीक है, क्या लिखवाया राहुल सर ने, द इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड्स ए कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास, ठीक है, ब्रैकेट में और करंट टू फ्लो, ठीक है, बिटवीन टू टर्मिनल्स, ठीक है, बिटवीन, ठीक है, बिटवीन के बाद लिखिएगा द टू टी डब्ल्यू द टू टर्मिनल्स, टी ई आर एम आई एन ए एल एस, टू टर्मिनल्स, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रिक, ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, और इससे क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा, तो लिखिएगा द बल्ब, आगे लिखिएगा बी यू एल बी, बी यू एल बी, यहां पर लिखा है राहुल सर ने, देख लीजिएगा, द इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड्स, ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड्स ए कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास, ब्रैकेट में लिखा है राहुल सर ने, और करंट टू फ्लो बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल, इसके बाद फुल स्टॉप लगाना है, आगे लिखिएगा द बल्ब, बल्ब के बाद लिखिएगा, बल्ब क्या होगा, ग्लोज करेगा, द बल्ब ग्लो, जी एल ओ डब्ल्यू एस, ग्लोज, ठीक है, आगे लिखिएगा वैन, वैन इलेक्ट्रिसिटी, वैन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, और इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, सी यू डबल आर ई एन टी, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है, पासेज थ्रू द सर्किट, पी ए डबल एस ई एस, पासेज थ्रू टी एच आर ओ यू जी एस, थ्रू द सर्किट, ठीक है, थ्रू द सर्किट, ये तो रहा आपकी थ्योरी, ये तो आपकी कंप्लीट थ्योरी हो गई, यहां पर लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद द बल्ब, ठीक है, ग्लोज वैन इलेक्ट्रिसिटी, ब्रैकेट में लिखे और इलेक्ट्रिक करंट पासेज थ्रू द सर्किट, ठीक है, ये तो आपकी पूरी कंप्लीट थ्योरी हो गई, ठीक है, इसके बाद आप लोगों को डायग्राम भी बना के बताएंगे राहुल सर, ठीक है, कि डायग्राम किस तरीके से होता है, ठीक है, और आपको अच्छे से इनको प्रैक्टिस भी करनी है, क्या करना, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या करना, नीट एंड क्लीन होमवर्क में भी इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू डू, ठीक है, इन यूर नोटबुक, साइंस नोटबुक, ठीक है, अब आपको एक सर्किट बना के बता रहे हैं राहुल सर, दो डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, दो डायग्राम बनाएंगे, फर्स्ट डायग्राम तो ये रहा, ठीक है, आप पेंसिल से बनाना है, स्केल का यूज करना है, ठीक है, पेंसिल का यूज करना है, स्केल का भी यूज करना है, ठीक है, ठीक है, सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना है आपको, ऐसा नहीं है कि डायग्राम उल्टा सीधा कर दें आप, ठीक है, सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना है, एक सेकेंड, ठीक है, सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना है आप लोगों को, ठीक है, ठीक है, अच्छे से डायग्राम बनाना, ठीक है, इस तरीके से आपको डायग्राम मेंशन करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है, इस तरीके से आपको क्या बनाना है, सेल बनाना है, तो आप क्या करोगे, ये इस तरीके से स्केल की हेल्प से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना दीजिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना दी, ऐसे ही यहां पर स्केल की हेल्प से लाइन बना दीजिएगा, बना दी, बहुत अच्छी बात, ठीक है, नीचे से थोड़ा इसे कर्व कर दीजिए, नीचे से थोड़ा सा कर्व कर दीजिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात, नीचे से थोड़ा कर्व कर दीजिए, बहुत अच्छी बात, ठीक है, ऐसे ही आपको एक सेल और ड्रॉ करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट सेल आपको बता देता हूं, ठीक है, बीच में आपको इस तरीके से बीच को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है, आपको क्या करना है, यहां से एक वायर ऐड करना है, ठीक है, ये वायर हो गया, ठीक है, एक वायर यहां से ऐड करना है, ठीक है,
और आपको यहाँ पर बल्ब लगाना है, ठीक है। बल्ब किस तरीके से लगाओगे आप, बल्ब आपको बता दूं, ये इस तरीके से देखिए, ये इस तरीके से ये आपको बल्ब लग जाएगा, ठीक है, ये लग जाएगा बल्ब, बहुत अच्छी बात। और इस तरीके से आपको बल्ब यहाँ से अटैच कर देना है, ठीक है, क्लियर है। और इसको क्या करोगे, नीचे से डार्क करके इसको टच कर दोगे, देख लीजिए, नीचे से डार्क करके आप टच कर देना, ठीक है। बल्ब हो गया, बल्ब के अंदर फिलामेंट लगा दीजिए, ये हो गया फिलामेंट, देख लीजिए बल्ब के अंदर मैंने ये फिलामेंट लगा दिया। इसके बाद ये दूसरा वायर यहाँ से ही निकालना है, ठीक है, यहाँ से निकाल करके आपको नीचे के जो बेस है ना इससे टच करना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है, इस तरीके से आपको टच करना है, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, इस तरीके से आपको टच करना है, ठीक है। ये वायर को मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ठीक है, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, दिखने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये वायर हो गया, तो ये दो वायर हो गए, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से टच कर दिए, क्लियर है, बैटरी बना दी, बहुत अच्छी बात। अब हल्का सा लाइट बैटरी के अंदर लिक्विड भरेंगे, हल्का हल्का इसे लाइट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, लाइट कलर करना पेंसिल, देख लीजिए मैं बिल्कुल लाइट कलर कर रहा हूँ, देख लीजिए बिल्कुल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ डायग्राम बनना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम बनना चाहिए आपका, ठीक है। और प्रैक्टिस करें, अगर आप 50 क्लास से तो आए ही हैं, आपको अभी प्रैक्टिस नहीं है डायग्राम की, तो आप रफ में इसको पहले अपनी रफ कॉपी में इसको ड्रॉ करिए, ठीक है, और आपके मम्मी पापा से बोलिए कि हमारी हेल्प करें, ठीक है, आपकी दीदी है, बड़ी दीदी है, या आपका ब्रदर है बड़ा, ठीक है, उनसे हेल्प ले लीजिए, ठीक है, हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उनसे कह दीजिए कि भैया मुझे सिखा दीजिए, ठीक है, या दीदी मुझे बता दीजिए, ठीक है, वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है, ये डायग्राम बन गया, ठीक है। साइड में से आपको क्या कर देना है, डार्क कर देना है थोड़ा सा, इस तरीके से डार्क कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया डार्क, क्लियर दिख रहा होगा आपको, ये डार्क कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया इसका डार्क, ठीक है, डार्क हो गया, बहुत अच्छी बात। नीचे से भी थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, ठीक है, ये डार्क कर दीजिए, बहुत अच्छी बात, दिख रहा होगा आपको। अब आपको इनकी नेमिंग करनी है, आपको नेम देना है, तो सबसे पहले यहाँ पर बल्ब को ग्लो कीजिए, क्या कीजिए, बल्ब को ग्लो कीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बल्ब बी यू एल बी, बी यू एल बी, बल्ब ग्लोज, ठीक है, क्या करोगे, बल्ब ग्लोज, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन और दिखानी है आपको, करंट की डायरेक्शन इस तरीके से दिखाइए, नीचे की तरफ एरो, ठीक है, इस तरीके से एरो दिखा दीजिए, ठीक है, क्लियर है, इस तरीके से आप एरो दिखा दीजिए, ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात। यहां से करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, यहां से करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है, ये एरो ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, यानी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इसका नाम तो हो गया, ठीक है, पॉजिटिव, इसका नाम हो गया पॉजिटिव, ठीक है, टर्मिनल, टी ई आर एम आई एन एल, टर्मिनल ऑफ सेल, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल हो गया, ठीक है, ये हो गया आपके नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, यहां पर लिखिएगा नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव, देख लीजिए यहां पर लिखिएगा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ऑफ सेल, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, ठीक है। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इधर लिख दीजिएगा, ठीक है, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ठीक है। वायर हो गया ये क्या हो गया, वायर, यहां पर लिख दीजिए वायर, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर लिख दिया राउंड टोटल वायर लिख दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। ये हो गया टॉर्च बल्ब, ठीक है, इस पर लिख दीजिए टॉर्च, टी ओ आर सी एच, टॉर्च बल्ब, ठीक है। तो क्या क्या लिखा है, राहुल सर ने लिखा है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, नीचे लिखा है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर लिखा है बल्ब ग्लोज, ये है वायर, ये है टॉर्च बल्ब, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ये आपके सेल हो गया, इस पर लिख दीजिए सेल, सी ई डबल एल, सेल लिख दीजिए, ठीक है। अब नीचे क्या लिखोगे, दो डायग्राम बनाने हैं, फर्स्ट ये और नेक्स्ट डायग्राम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसमें लिखिएगा दिस इज कंप्लीट, इसमें लिखिएगा दिस इज कंप्लीट, सी ओ एम पी एल ई टी, दिस इज कंप्लीट, ठीक है, इलेक्ट्रिक, दिस इज कंप्लीट इलेक्ट्रिक, ठीक है, सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो और क्लोज्ड, सी एल ओ एस डी, और क्लोज्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट, और क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखा है यहां पर, दिस इज, ठीक है, कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट,
ब्रैकेट में और क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट हैविंग नो गैप, हैविंग ठीक है नो एनओ गैप जी ए पी गैप ठीक है इन इट ठीक है। आगे लिखिएगा फुल स्टॉप लगा के इलेक्ट्रिसिटी ठीक है इलेक्ट्रिसिटी ठीक है फ्लोज थ्रू एफ एल ओ डब्ल्यू एच फ्लोज थ्रू टी एच आर ओ यू जी एच फ्लोज थ्रू इट एंड इट एंड ठीक है हैंस एच ई एन सी हैंस बल्ब ठीक है लाइट्स एल आई जी एच टी एस लाइट्स ठीक है अप ठीक है फुल स्टॉप। यहां पर एक नीचे लिखा है डायग्राम हो गया कंप्लीट देख लीजिए डायग्राम हो गया डायग्राम के नीचे लिखा है दिस इज कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रैकेट में लिखो और क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रैकेट क्लोज आगे लिखा हैविंग नो एनओ गैप जीएपी इन इट फुल स्टॉप इलेक्ट्रिस फुल स्टॉप के बाद लिखा है इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू एफ एल ओ डब्ल्यू एच फ्लोज थ्रू टी एच आर ओ यू जी एच फ्लोज थ्रू इट एंड ए एन डी एंड हैंस एच ई एन सी हैंस बल्ब लाइट्स अप। आज के वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में एक और सेल बनाएंगे राहुल सर उसमें आपको बताएंगे ओपन सर्किट का ठीक है और इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो इट ठीक है ओपन सर्किट का बना के बताएंगे। थैंक यू बाय बाय घर पे रहें सुरक्षित रहें साइंस को पढ़ते रहें थैंक यू।